GTA for the Hello everybody, welcome to my channel. आज फाइनली वीडियो आ गई ऑन माय ब्लूस्टैक 5 सेटिंग सेंसिटिविटी की मैपिंग और कस्टम एचयूडी के ऊपर। इस वीडियो में आपको मैं सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, इन गेम सेटिंग से लेकर मेरी इम्यूलेटर सेटिंग तक। मैंने पीसी के अंदर क्या क्या चेंज किया उससे मुझे हेल्प हुआ है हेडशॉट मारने में, मेरे माउस में क्या सेंसिटिविटी रखी है, मेरी माउस की डीपीआई क्या है, सब कुछ मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और मैंने कल शाम को कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने पूछा था कि आपको कोई भी क्वेश्चन है अगर मेरी सेटिंग को लेकर तो कमेंट में बताओ और मैं उसको आंसर करूंगा वीडियो में। और उस पे ऑलमोस्ट 130 कमेंट्स आई, मतलब तो 130 क्वेश्चंस आए, तो उतने आंसर तो मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर सब कमेंट्स का आंसर देने बैठा तो ये वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी, बट मैं टॉप 3-4 क्वेश्चन पिक करूंगा जो फ्रीक्वेंटली सबने पूछे हुए और सब ज्यादातर लोग जानना चाहते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन मैं आंसर करूंगा इस वाले वीडियो में। और मुझे ये बात पता चल गई कि आपकी क्वेरीज बहुत ज्यादा होती है, तो मैं एक काम करने वाला हूँ, अब से हर वीडियो में कमेंट में से मैं टॉप 3 क्वेश्चंस पिक करूंगा। तो हर वीडियो में आप कमेंट करते रहना, अगर आपकी कमेंट में ज्यादा लाइक आती है या फिर आपके जैसे बहुत जन कमेंट मारते हैं सेम क्वेश्चन को, तो मैं पिक करूंगा और उसको एड्रेस करूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। और इस वाली वीडियो के भी नीचे कमेंट कर देना, और अगर आपका क्वेश्चन अच्छा है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फीचर करूंगा उसको और आंसर करूंगा। तो हर बार की तरह मैं बता देता हूं कि इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले माय इन गेम सेटिंग्स, सेकंड माय इम्यूलेटर सेटिंग्स, थर्ड टॉप क्वेश्चंस फ्रॉम कम्युनिटी पोस्ट, एंड लास्टली विंडोज सेटिंग्स। तो सबसे पहले बात करते हैं इन गेम सेटिंग्स पे, और मैं आ गया हूँ यहाँ पे फ्री फायर के अंदर। वैसे इम्यूलेटर में इन गेम सेटिंग का इतना इफेक्ट नहीं होता है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी यहाँ पे जनरल है 40 और रेड डॉट 2x 4x सब कुछ 100 है, फ्री लुक 50 है, पर फ्री लुक मैं यूज़ नहीं करता तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसके बाद की मैपिंग दिखा देता हूँ आपको, आप पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हो मैंने क्या की रखी है किसके लिए, ठीक है। ये की मैप खुल गया यहाँ पे, और यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो कौन सी की मैंने किसके लिए रखी हुई है, और जो मैंने यहाँ पे F1 F2 F3 रखा हुआ है, माउस व्हील अप डाउन रखा हुआ है, वो सब है मैक्रो, वो इमोट के लिए मैक्रो है जो मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और तो आज सब कुछ देख सकते हो आपके सामने ही है, ग्लू वॉल के लिए देख सकते हो, रनिंग के लिए देख सकते हो। अभी एक्स एंड वाई देख लो, आपको एक्स है 0.90, कभी कभी मैं 1 भी कर देता हूँ, आज थोड़ा सा कम किया था मैं 0.90, और वाई किया है 2.70, और ट्विक्स है मेरा डिफॉल्ट 16,450। हालांकि ट्विक्स 2 करने पे ज़्यादा हेडशॉट लगता है वो मैं भी मानता हूँ, बट उसकी सेंसिटिविटी कंट्रोल करने में बहुत हार्ड होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डिफॉल्ट ही रखता हूँ 16,450 जो है। दूसरी तो इन गेम सेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी एक बार आप देख लो, ठीक है। अभी चलते हैं इम्यूलेटर की सेटिंग के ऊपर। तो परफॉर्मेंस सेटिंग तो आपको पीसी के हिसाब से रखना है, मेरा अच्छा खासा पीसी तो मैंने सबको हाई सेटिंग पे रखा हुआ है। उसके बाद बात करें इम्यूलेटर डीपीआई की, तो आपको पता है मैं 160 यूज़ करता हूँ क्योंकि उससे हाई सेंसिटिविटी मिलती है, जितना ही कम रखोगे डीपीआई इम्यूलेटर पे उतनी ही हाई सेंसिटिविटी आपको मिलेगी, बट कभी कभी अनस्टेबल भी हो जाता है, कभी कभी गेम ओपन नहीं होती है, मैं भी 2-3 बार कभी कभी ओपन करता हूँ फिर 160 पे चलती है। उसके बाद विजुअल टैप्स, जो वाइट डॉट आता है स्क्रीन पे, सब लोग पूछते हैं ये कैसे लाते हैं, तो ये रही उसकी सेटिंग, इसको ऑन कर दो बस, और आ गया विजुअल टैप्स ऑन हो गया। और मेरा ब्लूस्टैक वर्जन देख सकते हो, सबसे लेटेस्ट वाला है 5.2, उसमें भी बेटा वर्जन है 64 बीट वाला, तो 64 बीट और 32 बीट में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये थोड़ी ऑडियो क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है मुझे ऐसा लगता है, तो फिर मैं ये यूज़ करता हूँ, कोई सेटिंग में या हेडशॉट में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद आपको जाना है इम्यूलेटर की एंड्रॉयड सेटिंग पे, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी पे जाना है, वहाँ पे जाके करना है लार्ज माउस पॉइंटर को ऑन, रिमूव एनिमेशन को भी ऑन कर देना है, उसके बाद टच एंड होल्ड डिले को भी शॉर्ट पे रख देना है, और लास्टली जो सेटिंग करनी है वो ड्यूल टाइमिंग पे जाना है, उसको ऑन करना है और एकदम लेफ्ट साइड पे यहाँ पे खींच लेना है बार को। उसके बाद इम्यूलेटर को ऑफ कर देना है, उसके शॉर्टकट पे जाना है, वहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद कॉम्पेटिबिलिटी पे जाना है और चेंज हाई डीपीआई पे क्लिक करना है, उसके बाद वहाँ पे लास्ट ऑप्शन को टिक करो और ड्रॉप डाउन में से सिस्टम और एनहांस को क्लिक कर दो, ओके दबाओ, और बाहर आके डिसेबल फुल स्क्रीन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करके अप्लाई और ओके कर दो। अब चलते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे, यहाँ पे देखते हैं टॉप क्वेश्चन कौन से हैं जिसके आंसर आपको जानना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ASOPYT का, हाउ टू प्ले लाइक लेजेंड विदाउट गेमिंग माउस, वॉट आर द बेस्ट सेटिंग फॉर करेंट ब्लूस्टैक्स। देखो मैं जो मेजोरिटी आंसर दूंगा ना उसमें आपको मजा नहीं आएगा या फिर सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं सुननी होगी, पर मैं आपको हमेशा सच्ची बोलूंगा, जो होगा जो हो सकता है वो हो सकता है, जो नहीं हो सकता वो ना बोल दूंगा, ये नहीं हो सकता। तो इतना सच जान लो, गेमिंग माउस के बिना आप लोग एकदम टॉप लेवल पे नहीं खेल सकते।
100% ये लिख के ले लो या फिर इतना रिकॉर्ड करके हर वक्त सुनना, जिस टाइम आपको लगे ना कि इसमें कौन सी सेटिंग करनी है तो इतना पार्ट सुन लेना, ठीक है, मेरे वीडियो में से। इस बात की कोई लॉजिक नहीं बनता, पता है ये बात कैसा है कि आपने 10-15 हज़ार का मोबाइल लिया और फिर आप पूछ रहे हो कि भाई मैं ऐसी कौन सी सेटिंग करूँ जिससे मेरी कैमरा क्वालिटी आईफोन 13 की तरह हो जाए। भाई वो फ़ोन 1.5 लाख का या आपका है 10-15 हज़ार का, अगर ऐसी सेटिंग करके आईफोन 13 जैसी क्वालिटी आ जाती तो जो आईफोन 13 खरीदता कौन, 1.5 लाख रुपये देता कौन। सेम चीज़ है माउस के साथ, अगर 200-300 वाला नॉन गेमिंग माउस में आपकी सेम क्वालिटी आ जाती है, सेम हेडशॉट लगते, सेम DPI बढ़ती, तो फिर 5-6 हज़ार 10-15 हज़ार का माउस खरीदता कौन, जो खरीदता वो तो पागल होता फिर। तो सच्चाई यही है कि जो लेजेंड प्लेयर है, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स है जो गेमिंग माउस में खेलते हैं महंगे महंगे, वैसे आप कभी नहीं खेल पाओगे नॉन गेमिंग माउस में। बट जो मैंने अभी सेटिंग बताई, जो मैंने DPI बताई, इम्यूलेटर की कम रखना वो सब करना, और जो मैंने विंडोज़ की सेटिंग बताई वो सब सेटिंग कर लेना, तो थोड़ी आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे मौजा मुमताज़ का, और भाई ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, हालांकि 3 क्वेश्चन पूछे सब बहुत ही बढ़िया पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन है 10 सेटिंग एंड सेंसिटिविटी मैटर्स अलॉट, तो उसका आंसर है हाँ मैटर तो करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपकी परफेक्ट सेंसिटिविटी आपको पता होगी तो आप ज़्यादा अच्छे से हेडशॉट मार पाओगे, पर इससे भी ज़्यादा मैटर करता है आपकी स्किल, आपका एक्यूरेसी मैटर करता है। सेकंड है इज इट इनफ टू कॉपी योर सेटिंग्स एंड वी विल गेट परफेक्ट हेडशॉट, इसका आंसर है बिल्कुल ही नहीं, एकदम साफ ना, क्योंकि मेरा माउस अलग है, मेरा PC अलग है, मेरा खेलने का स्टाइल भी अलग है। अगर आप मेरे ही PC पे भी खेलोगे ना तो भी आप हेडशॉट नहीं पार पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं माउस को कितना ड्रैग करना है, आपका ड्रैग का अमाउंट अलग होगा, या शायद आप ज़्यादा ड्रैग करते हो मेरे से या फिर कम ड्रैग करते हो, तो आपको हेडशॉट फिर भी नहीं लगेंगे आप मेरे PC पे खेलोगे तो भी। तो मैं हर टाइम बोलता हूँ कि सेंसिटिविटी बहुत पर्सनल चीज़ होती है, आपको खुद ही डेवलप करनी पड़ती है आपकी खुद की सेंसिटिविटी। जो मैंने आगे वीडियो में सेंसिटिविटी बताई ना, वो आप एक रेफरेंस की तरह लो, उसको डालो और फिर देखो आपको ज़्यादा लग रही है कम लग रही है, उसके बाद ट्वीक करो और आपकी खुद की सेंसिटिविटी परफेक्ट बना लो उसके मदद से। थर्ड क्वेश्चन है माई PC स्पेक्स, तो मैंने पूरे डिटेल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ मेरे PC स्पेसिफिकेशन, तो वहाँ पे चेक कर सकते हो और देख सकते हो। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि पूछा है शाम ने, ब्रो विच ट्वीक्स इज बेस्ट फॉर फ्री फायर एंड हाई सेंसिटिविटी इज गुड और मीडियम और लो। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे। तो ट्वीक्स तो मैंने आपको बताया था मेरा 16450 है जो कि है डिफॉल्ट, पर काफ़ी बंदे 2 ट्वीक्स यूज़ करते हैं, 10 यूज़ करते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे हेडशॉट लगते हैं। फॉर एग्जांपल रोक इफेक्ट ट्वीक्स 2 यूज़ करता है तो उसके हेडशॉट तो आपको पता ही कैसे लगते हैं, बट ट्वीक्स 2 के हेडशॉट अच्छे लगते हैं वो सही बात है, और आप भी ट्राई कर सकते हो, मैंने भी ट्राई किया हुआ है बहुत पहले। पर 2 ट्वीक्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि है सेंसिटिविटी इशू, वो बहुत फ्लक्चुएट होती है, अप डाउन होते रहती है, तो अगर वो आपको हैंडल करना आता है ट्वीक्स 2 पे तो आप फिर गॉड हो, ठीक है। अगर आप ट्वीक्स 2 हैंडल कर पाते तो मैं तो 100% रेकमेंड करूंगा, तो आप वही यूज़ करो क्योंकि उसमें बहुत गजब वाले हेडशॉट लगते हैं। मेरे से तो हैंडल नहीं होता तो मैं डिफॉल्ट ही यूज़ करता, उसमें भी ठीक ठाक हेडशॉट लग जाते हैं। तो यही थे top 3 क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट से, तो अगर आपका क्वेश्चन यहाँ पे पिक नहीं हुआ तो इसके नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था मैं यूज़ करूँगा top 3 कमेंट्स अलग से। और अब हम आ जाते हैं लास्ट विंडोज सेटिंग के ऊपर, उसके बाद सर्च बार में टाइप करना है माउस सेटिंग, और उसके बाद जाना है राइट साइड पर एडिशनल माउस ऑप्शन पर, वहाँ पे आपके एक और डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, वहाँ पे जाना है पॉइंटर ऑप्शन पे, उसके बाद आपको सिलेक्ट पॉइंटर स्पीड पे जाके और 6 नंबर पे सेट कर देना है। पहले मेरे 4 पे था, मैंने बताया अभी था कि 4 पे रखना है, बट उसके बाद जब मैंने 6 पे रखा तो मेरे हेडशॉट थोड़े ज़्यादा लगने लग गए थे, तो अभी मैं 6 ही यूज़ करता हूँ। और नीचे एनहांस पॉइंटर वाला जो ऑप्शन है उसको तो अनटिक कर ही देना है। और लास्टली यहाँ पे चलते हैं मेरी माउस DPI के ऊपर, और माउस मैंने क्या क्या सेटिंग कर रखी है, ये माउस का मेरा ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ पे मैंने DPI कर रखी है 1550, मैंने लास्ट में बताया था अगर आपको याद हो तो। और उसके बाद जो ये जो नीचे का सेटिंग है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है रिपोर्ट रेट, आपके में कुछ अलग लिखा होगा बट बेसिकली ये है कि 1 सेकेंड में आपका कितना इनपुट काउंट होगा PC के अंदर। तो मेरा माउस का 1000 इनपुट काउंट होगा 1 सेकेंड के अंदर, और अगर आपका अच्छा PC है फिर ही 1000 रखना, या तो फिर 500 या 250 रखना, क्योंकि अगर अच्छा PC नहीं है तो आपको माउस लैग देखने को मिलेगा अगर आपको 1000 पे फिर भी सेट करते हो, ठीक है। तो 500 या फिर 250 सेट करना, उस पर भी अच्छे हेडशॉट लगते हैं। तो दैट्स इट गाइस, ये थी मेरी फुल सेटिंग, और नेक्स्ट वीडियो माउस एक्सेलरेशन पे आने वाला है, तो आपको माउस एक्यूरेसी अगर बढ़ानी है तो सब्सक्राइब कर लेना, वो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके ऊपर, ठीक है। तो उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में बता सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दूंगा उसको, ठीक है। तो चलो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय एंड टेक केयर।